दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, इसमें आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, हरे वर्षनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों केरल राज्य द्वारा हरे वर्षनम पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों इस पुरस्कार के तहत 1,00,000 का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। केरल सरकार द्वारा यह पुरस्कार 2012 में शुरू किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है देवप्रयाग में। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा यह देवप्रयाग में मिलती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों जिला न्यायाधीश यह राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है थाने। दोस्तों थाने यह भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है थाने। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है केरल राज्य। दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है, यह सभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों यातायात नियमों का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है यातायात नियमों का पालन करना। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इन्हें नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी वह इन्होंने लौटा दी थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में दी गई थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिल चुका है और इनकी जो रचना थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था, यह आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। दोस्तों खुदाई खिदमतगार यह 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2016 में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गोदावरी नदी की। दोस्तों वर्धा नदी यह गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ओडिसी नृत्य से कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्र, कालीचरण पटनायक और माधवी मुदगल, यह सभी दोस्तों क्या है ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न में दिया जाए वह आप लोग टिक कीजिएगा।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 75। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुषाण वंश के समय, और यह कनिष्क द्वारा कराई गई थी। दोस्तों इस समय कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान का भाग 11 किस से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संघ और राज्यों के बीच संबंध से। दोस्तों भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मुलायम सिंह यादव किस राज्य के रहने वाले थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य के। दोस्तों मुलायम सिंह यादव यह समाज पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के 3 बार यह मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह पहली बार 1967 में विधायक बने, उनका एक लंबी बीमारी के कारण 2022 में निधन हो गया। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, शतरंज में केवल एक पंक्ति में चलने वाला मोहरा कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हाथी। दोस्तों हाथी यह शतरंज में केवल एक पंक्ति में चलने वाला मोहरा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हाथी। दोस्तों शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32 सफ़ेद और 32 काले रंग के होते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रानी दिद्दा कहाँ की शासक थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जम्मू कश्मीर की। दोस्तों रानी दिद्दा यह जम्मू कश्मीर की एक शासिका थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा होने के बाद अंडमान के सेलुलर जेल कब ले जाया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जून 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, गांधर्व महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली में। दोस्तों गांधर्व महाविद्यालय यह दिल्ली में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली। दोस्तों गांधर्व महाविद्यालय भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है, यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज फर्स्ट शिफ्ट में जो MTS के एग्जाम में GK GS के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को एक्शन नॉलेज के साथ कराया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।